आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन दोनों में बेहद महत्वपूर्ण है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट फॉर सक्सेस इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। आज के व्यस्त और प्रतिस्पर्धात्मक बिजनेस वातावरण में सफलता केवल वित्तीय लाभ तक सीमित नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट यानी आत्मिक सशक्तिकरण हमें भीतर से मजबूत बनाता है, जिससे हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन में है। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक विचारधारा जैसे अभ्यास हमें तनाव मुक्त करते हैं और हमें एक स्पष्ट दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। बिजनेस क्षेत्र से जुड़े लोगों को यही आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने के लिए ब्रह्म कुमारीज मुख्यालय में 4 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। ज्ञान सरोवर परिसर में आयोजित इस सम्मेलन के शुभारंभ सत्र में मुंबई से विराज प्रोफाइल्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नीरज कोचर, हरेन टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर हरेन मेहता शामिल हुए और संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके सुदेश दीदी, प्रभाग के उपाध्यक्षा बीके योगिनी दीदी, नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके हरीश मेहता, मुख्यालय संयोजिका बीके गीता दीदी समेत प्रभाग के अन्य पदाधिकारियों की उपस्थिति में शुभारंभ किया। I am not having any particular I am Brahm Kumari, but I try to wake up 3:45, doing everyday meditation, not in India, all over the world when I travel. 3 din, 4 din mein Hindustan rehta hoon, 3 din bahar rehta hoon, magar kabhi bhi wohi 4:45 uthna, ye meditation karna, murli sunna, wohi routine hai. Busy but easy, ye mukhya cheez hai बिजनेसमैन के लाइफ में। टेंशन करते हैं तो अपना स्वभाव खराब होता है, विकारों में क्रोध और वो सब में इतना डैमेज हो जाता है। सामने वाले का रिस्पॉन्स, सामने वाला का रिगार्ड, रिस्पेक्ट नहीं रहता है और जो हम देते हैं वही हमको वापस आता है। आप सोचिए, जब आप सब की लाइट, विश्व की आत्माओं की लाइट जग जाएगी तो चैतन्य सितारे चमकते हुए, ये तो लाइट हाउस, भारत लाइट हाउस है और लाइट हाउस बन जाएगा। परंतु योग शक्ति चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है, जो ऑलमाइटी की माइट से ये लाइट हाउस माइट हाउस बन करके अन्य आत्माओं को भी, अन्य देशवासियों को भी, दुखी आत्माओं को, परेशान आत्माओं को, भटकती हुई आत्माओं को लाइट भी दे सके और माइट भी दे सके। फिर ये बिजनेस है कि लोग जाते हैं कैलाश मानसरोवर में, तो जाते हैं वहाँ, बोलते हैं वहाँ के सरोवर में अगर डुबकी लगाते हैं तो परियां होकर के निकलते हैं। तो ये भी जो है ज्ञान मानसरोवर में आप आते हैं तो सही सही में आपको यहाँ जो ये मानसरोवर उसमें डुबकी लगानी है तो परियां, मतलब जो स्वर्ग की जो सहजादे बोलते हैं, राजा महाराजा, वहाँ के जो देवी देवी गुण धारण करके हम जाते हैं, ऐसे हम बनेंगे। जब हम आत्मिक रूप से सशक्त होते हैं तो हमारा नेतृत्व कौशल भी बेहतर होता है। हम टीम को एक सकारात्मक दिशा में प्रेरित कर सकते हैं और एक स्वस्थ संगठनात्मक संस्कृति का निर्माण कर सकते हैं। नैतिकता और मूल्य आधारित निर्णय लेने की क्षमता हमें दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाती है। अंत में, आत्मिक सशक्तिकरण एक ऐसा उपकरण है जो हमें अंदर से मजबूत बनाता है और बाहरी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। व्यवसाय और उद्योग में सफलता के लिए हमें केवल मटेरियलिस्टिक लक्ष्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने आत्मिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस वर्ष की थीम यही है विद्यालय की, कि आध्यात्मिकता द्वारा सशक्तिकरण और इससे स्वच्छ
और स्वस्थ समाज का निर्माण जो हम सभी चाहते हैं। ये है एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड, और इसलिए इस एकेडमी में सभी विंग के कार्यक्रमों में खुद के वैल्यूज का कैसे हम विकास करें, खुद की आंतरिक शक्तियों को कैसे हम जागृत करें। ईश्वरीय ज्ञान से ये शिक्षा ले रहे हैं कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हम हमेशा सोचते हैं कि वो लोग बदले तो हम बदले, नहीं, यहाँ की ईश्वरीय पढ़ाई है हम बदलेंगे तो जग बदलेगा, और साथ साथ में इस सुख की दुनिया से निकलकर, इस दुख की दुनिया से निकलकर सुख की दुनिया की तरफ चले हम, और ये ईश्वरीय ज्ञान से हम ऐसी करनी करें जो नर बने नारायण और नारी बने लक्ष्मी। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र पर वडोदरा प्री स्कूल एसोसिएशन की मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें वीपीए के चेयरमैन निशित देसाई, वाइस चेयरमैन अंजना ठक्कर, एक्स चेयरमैन मीना परमार समेत नगर के प्री स्कूल संचालक सदस्य शामिल हुए। वीपीए द्वारा इस मीटिंग का उद्देश्य प्री स्कूल्स के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के पालन करने के संबंधित जानकारी वीपीए सदस्यों को देने के लिए रखा गया था, जिसमें निश्चित देसाई ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर प्राथमिक शिक्षण समिति का उद्देश्य हर वर्ग के शिक्षा से वंचित छोटे बच्चों को तलाश कर उन्हें शिक्षित करने का रहता है, और इस कार्य में प्री स्कूल बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, क्योंकि 3 साल से 6 साल के बीच के बच्चों को आगे स्कूल जाने के लिए तैयार करने और सिखाने का जो काम प्री स्कूल कर रहे हैं वो सराहना योग्य है, और प्री स्कूल की आवश्यकता अनुसार हर संभव सहयोग के लिए मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा। सेवा केंद्र प्रभारी बी के डॉक्टर अरुणा बहन ने एसोसिएशन को अपनी बधाई देते हुए कहा कि इस मीटिंग के लिए ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र को चुनना एक अच्छी पहल है, क्योंकि आप यहाँ से जो सकारात्मक प्रेरणाएं और स्पिरिचुअलिटी लेकर जाते हैं वही आपसे बच्चों तक पहुंचती है। जम्मू के भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय में ब्रह्म कुमारीज जम्मू द्वारा राजयोग मेडिटेशन पर वर्कशॉप का आयोजन हुआ। FCI के सहयोग से आयोजित इस वर्कशॉप में महाप्रबंधक एस के दास, उप महाप्रबंधक पी लोकनाथम, उप महाप्रबंधक आशीष मित्तल उपस्थित रहे। कार्यशाला में राजयोगी रविंद्र भाई ने कर्मचारियों को समझाया कि कैसे ध्यान हमें खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। इस कार्यक्रम में बीके नेहा और बीके सोनाली भी मौजूद थे। वो जो एनर्जी अपने आप के अंदर, उस एनर्जी को जान, जिस दिन उसे जान जाएंगे हमारे अंदर फिजिकली हेल्थ बढ़ना शुरू होगी, हेल्थ बढ़ना शुरू होगी, सोशल हेल्थ बढ़ना होगी, स्पिरिचुअल इमोशनल तौर पर हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे, और पावरफुल माइंड हमारा बन जाएगा। वो जो हमारे अंदर स्पिरिट है उसके अंदर क्या है, माइंड, माइंड एक विचार चलाने की शक्ति को कहा जाता है माइंड। ऐसे ही MP के मालनपुर स्थित सूर्य कंपनी के कर्मचारियों के लिए ब्रह्म कुमारीज द्वारा व्यक्तित्व विकास विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ,
जिसमें मालनपुर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके ज्योति ने सभी को राजयोग के अभ्यास से होने वाले फायदों की संक्षेप में जानकारी दी और सुबह उठते ही 10 मिनट के लिए राजयोग का अभ्यास करने का आग्रह किया। तो वहीं बीके मुकेश ने सभी का राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। कार्यक्रम में उपस्थित कंपनी के HR DGM शेखर ने कार्यक्रम के लिए ब्रह्म कुमारी का धन्यवाद किया।